19 टूर पे रहा ना, मैं ये मुंबई का मैच था हमारा रणजी ट्रॉफी का, मैं शेट्टी सर उनसे बात किया, शेट्टी सर मुंबई का मैच है, मेरा अच्छा फॉर्म चल रहा है, मैं मुंबई में मैच खेला अच्छा परफॉर्म करूंगा तो मेरा नाम वैसे ही चलने लगेगा। बोले नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान का टूर हो रहा है, इंडिया 14 साल के बाद जा रहा है, तुमको जाना है, तुम खेल चुके हैं अंडर 19 इंडिया और तुम इंपॉर्टेंट प्लेयर, यू हैव टू गो। और मैं बहुत डिसअपॉइंट होकर वहां पे गया था, पर मुझे क्या पता था क्या होने वाला है वहां पे। नहीं, लेकिन आप ये देखो ना, ऊपर वाले का करिश्मा और ऊपर वाले का आशीर्वाद, वो मैच में जैसे ही आप खेले वो ठग से फिर आप ऑस्ट्रेलिया टूर पे गए, तो वो मुझे याद है वो रिवर्स स्विंग वाला, वो अपना गिली को आउट किया, एडोस को आउट किया, तो उस टाइम पे एवरीवन यूज्ड टू कंपेयर टू यू, कंपेयर आपको वसीम भाई से, वसीम अकरम। फिर उस टाइम पे जो एक मैंने देखा था, फिर जब मैं फर्स्ट टाइम टूर पे आया था इंडिया के लिए जब 2005, वो ऑलरेडी आपका नाम ऐसा था, मतलब इरफान वो लंबे बाल एकदम घुंघराले वाले, हेड एंड शोल्डर का ब्रांड एम्बेसडर अपना, बहुत मजेदार था वो। फिर उधर आप, मैं और माही भाई जाते थे ना पूरा अपना साथ में, ऐसे रहते थे, तो वो अलग सीखने को बड़ा मिला उस टाइम, बड़ा अजब टूर था वो। या बिल्कुल, बहुत मजा आया था यार वो, और अपने साथ अंडर 19 में तो एक राकेश सोलंकी करके भी हुआ करता था। हाँ, ना एकदम ऑजी ऑजी तेरे को मालूम है, वो आदमी, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे साथ बहुत ज्यादा बड़ोड़ा क्रिकेट के लिए खेला है, उसने अपना नाम राकेश सोलंकी से चेंज करके क्या रखा है पता? क्या? माइकल सोलंकी माइकल हसी का बहुत बड़ा फैन, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन। मैं जब ऑस्ट्रेलिया गया था तो मैं माइकल हसी की उसके लिए टी शर्ट लेके आया था। भाई मैंने माइकल हसी की टी शर्ट से बंदे को इतना ज्यादा खुश, मतलब किसी भी क्रिकेटर की टी शर्ट से इतना ज्यादा खुश नहीं देखा था जितना ज्यादा खुश मैंने राकेश सोलंकी को देखा था। मैं टी शर्ट लेके आया अपने रूम में से, वो हॉल में बैठा हुआ था जब मैं ऑस्ट्रेलिया से आया, मैं जैसे ही उसको टी शर्ट दिया वो खड़ा हो गया यार, वो खड़ा होकर टी शर्ट को 5 मिनट तक देखता रहा, कहता यार इरफान इससे बड़ा गिफ्ट कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई गिफ्ट कोई नहीं हो सकता। मुझे याद है एक बार नेट चला था हमारा, रणजी ट्रॉफी का मैच था, तो उसका कॉलिंग भी वैसे था। अच्छा था। और सबसे अच्छा इंसिडेंट लगा कि हमें याद है जो हमारी टीम बस होती थी अंडर 19 इंडिया में, तो कभी टॉन्टन से ब्रिस्टल जा रहे हैं क्योंकि वहां पे सबसे अच्छा है कि पूरा अपना बस से ही आते, तो आपके पास एक कैसेट होती थी लकी अली की, तो आप ड्राइवर को बोल के रखते थे कि ये गाने चले। मुझे याद है वो कैसे, हमने बहुत गाने सुने लकी अली के उस टाइम पे। यार अभी वैसे ही गाने बार बार सुनवाएंगे ना लोग, टीम बस से बाहर निकलवा देंगे, क्योंकि यार वो टाइम अलग था तब, यार इतने ज्यादा गाने भी आपके पास कहाँ होते थे यार, वही गाने आप रिपीट पे बार बार सुनते थे। एक ही वॉकमैन कम से कम सारे बल्लेबाजों ने, बॉलर ने यूज किया होगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल, वो टाइम यार वॉकमैन होना मतलब अगर किसी के पास है तो मतलब वो बंदा ठीक ठाक है कि उसके पास थोड़ा सा खिला हुआ लड़का है। बहुत स्कैरी भी था वो यूनिवर्सिटी जहाँ रुके थे हम लोग, कितना मतलब पूरा एकदम डोमेट्रीज अलग था, और जितने भी कॉलेज के ग्राउंड थे बड़ा अलग ही उनका एक अलग ही फील था, क्योंकि आप बीच में मिडिलसेक्स के लिए भी खेलते ना 2005 या 2006 में, तो वो एक्सपीरियंस होम ग्राउंड था, जबरदस्त फील है इंग्लैंड में जो, तो इसीलिए काउंटी का आपका एक्सपीरियंस। फिर एक बार अबू धाबी में इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का सीरीज हुआ था, जिसमें इंजी भाई कैप्टन थे, राहुल भाई, तो आप, मैं और माही भाई उधर लेके गए थे आप अबू धाबी में एक दोस्त के पास, तो वहाँ जब इतनी भीड़ आ गई तो हम लोग कैसे निकले, वो तो आपके भी लंबे बाल, माही भाई के भी लंबे बाल, और मैं बच्चा छोटा सा बीच में फंसा हुआ, चॉकलेट हीरो तू ही था वो। नहीं यार वो टाइम है यार, मतलब ये तो खैर अभी सोशल मीडिया का जमाना है ना भाई, 2006 की जब तू बात कर रहा है तब तो कहाँ सोशल मीडिया था, तब तो हार्डली सोशल मीडिया वगैरह था, लेकिन तब फैंस के लिए कोई भी क्रिकेटर ऐसा मार्केट में मिल जाए तो यार छोड़ते नहीं थे, और वो स्टारडम किसे कहते हैं यार, वो तब एक्चुअली पता ही नहीं था, सही बात है, ये कुछ अलग बात है, मतलब ये हम लोग ऐसे ही नहीं घूम सकते, वो 2006 की बात है। कैरेबियन का भी टूर था 2006 में, जब हम लोग उधर सैंड ट्रेनिंग करते थे, साथ में खाना खाते थे, क्योंकि खाना उधर था ही नहीं कुछ भी, बिल्कुल स्ट्रगल करते थे काफी, कि काफी सारी टीमें वेजिटेरियन भी थे, फिर वहाँ पे हलाल भी नहीं मिलता था, तो काफी सारी चीजें देखनी पड़ती थी सारा कुछ। मैं चटनी लेके आया था, तेरे को याद है मेरे पास चटनी हुआ करती थी, मैं चटनी डाल के देता था तुम लोगों को, लहसुन की चटनी। हम खाते थे वो लहसुन की चटनी में डालते थे, तो उसी से स्वाद आता था। बाकी तो क्या खाना यार, सीरीज में खाना यार स्ट्रगल है, पूरी दुनिया में कहीं भी खेलने चले जाओ यार, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, तुम साउथ अफ्रीका चले जाओ, तुमको खाना मिल जाता है, और हमेशा अपने दोस्त लोग, अपने यार लोग हैं, और अपने को खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं होती है,
वैसे तेरे को मालूम ही है, लेकिन वैसे नहीं नहीं बिल्कुल न्यूज टाइम पे था। मुझे याद है कि एक बार रणजी ट्रॉफी का मैच था, मैं इरफान आप यूसुफ और कैब भाई हमने खाना खाया था बिरयानी आपके साथ में, तो एक ही पूरा आपने वो बनाया था मटन या कुछ पूरा राइस वाला सब उसमें पूरा अपना अबू भी थे सब फैमिली थी, बड़ा मजा आया था रणजी ट्रॉफी। मैंने कहा कैब भाई चलो बहुत भूख लगी, कह रहे रुक जा रुक जा इरफान आ रहे, फिर गए उधर पूरा हमने वो परात खाया था सब लोगों ने एक साथ बैठ के, बड़ा मजा आया था। खाने का मजा ही अलग है ना भाई। बिल्कुल यार तू अभी देख तू आया है मेरे पुराने घर पे, नए घर पे तू आया नहीं है, लेकिन यहाँ नए घर पे आएगा तेरे को जो दावत खिलाऊंगा ना भाई, तू कभी जिंदगी नहीं नहीं बिल्कुल आपका आपका जो मेहमान नवाजी और जो आपका इस्तकबाल का नेचर है जरूर आएंगे भाई। यार अरे भाई अरे मेरे को चल मेरी बात बहुत हो गई यार, तू अपनी यार मैं ये देखता रहता हूँ बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं तू, प्रियंका फाउंडेशन से प्रियंका के नाम से, फिर बच्चों के नाम से ग्रासिया के नाम से भी, और अभी जो नया लड़का रियो, बिल्कुल 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 मतलब एक तो फैमिली एक तो फादर बन गया है, लेकिन ये जो बहुत सारे चैरिटी काम चल रहा है बच्चों के नाम पे, तो वो कैसा है मतलब उसका क्या सोच है उसके पीछे, पूरा तेरी सोच है बाबी की सोच है किसकी सोच है? नहीं नहीं ग्रासिया रैना फाउंडेशन हमने स्टार्ट किया था जब इनिशियली वो पैदा हुई, तो हमने चाहते थे की हमने काफी ना इरफान में बेटियों को गोद ले रखा है जस्ट टू मेक श्योर कि दे उनका एजुकेशन अच्छा हो, उनका मेडिकल फैसिलिटीज अच्छा हो, बिकॉज प्रियंका बाहर रही है तो काफी इंडिपेंडेंट रही है, जैसे आपकी वाइफ है बिकॉज वो भी बाहर है, तो एक कल्चर अलग है क्योंकि इंडिया में वो रूरल प्लेसेस की जो वुमेन्स है उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता वो उस तरीके से उनको, तो वो जो वुमेन्स का जो पावर है, तो इसीलिए काफी वर्कशॉप भी किया उसने, तो मुझे लगा कि एंड ऑफ द डे जैसे आपने गुजरात में इतना किया, यू बीन सप्लाइंग लॉट ऑफ फूड, सारे मास्क इतना कुछ कर रहे हैं आप, एकेडमी में भी काफी बच्चा आप फ्री में उनको एजुकेशन के साथ उनको ट्रेनिंग करते हो पठान एकेडमी में, तो कितना हम लोग हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास ऐसा रिसोर्सेज है कि अगर लोगों की हेल्प हो सके जितना भी हो सके कैसे भी हो सके, बट रात को जब आदमी सोए तो एक इत्मीनान चाहिए चेहरे पे, खुशी चाहिए कि एटलीस्ट किसी की हेल्प हो चुकी है, तो एक ऊपर वाले ने इतनी चीजों से नवाजा है, तो टाइम भी है तो लोगों की हेल्प करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, और यार ये देखता रहता हूँ इतना दिल खुश होता है कि यार हम छोटे छोटे थे, हम खुद हमें खुद को हेल्प की जरूरत थी, याद है जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे, तेरी इतनी स्ट्रगल है मतलब हॉस्टल में इतनी ज्यादा स्ट्रगल की है तूने हॉस्टल में रहके, हमारे पास जूते नहीं हुआ करते थे यार, हम जूते खुद सीखे 400-500 रुपए के जूते तब लेना बहुत बड़ी बात होती थी यार, वहां से लेके आज जो मुकाम पे हम पहुंचे लोगों का प्यार मिला तो घूस बम एकदम रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि मुझे ये भी याद है ना आपका जब मौस में थे आप उधर, मुझे अब्बू भी याद है पूरा, बीच में एक आपका यूसुफ का एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखा था उसपे जो पुराने हमारे वो है जी पे आया था बीच में, एक घर का किया था आपका और यूसुफ का अब्बू का, हाँ वो देखा, तो जैसे आप रहे फिर घर पे भी आते थे अम्मी और सिस्टर उस टाइम में, कितना तो खेल रहे थे अंडर 19 भी, बड़ौदा में बहुत मैचेस होते थे उस टाइम, मोती बाग एकदम हमारा वो लॉर्ड्स एकदम स्विमिंग ट्रैक होता था उधर, बड़ा मजा आता था खेलने में, तो सारे जो उधर बड़ौदा में मोती बाग में जो एक ट्रेडिशनल जो हाउसेज हैं उधर पूरे वो भी अलग फील है, तो बड़ा मजा आता था उधर। वही वो स्ट्रगल भी है ना, तो वही चैरिटी की बात वही है मेरे भाई कि आज जो मुकाम पे हम पहुंचे अगर हम थोड़ा बहुत भी अगर वापस नहीं देंगे तो फिर हमारा कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल मतलब इतना जो भी इज्जत मिली है लोगों से प्यार मिला है तो इतना तो बनता ही यार, तो ये तो चलता रहता है। भाभी और इमरान कैसे हैं? एकदम बढ़िया यार, एकदम सब बच्चे एकदम एंजॉय कर रहे हैं, मैंने देखा बीच में वो पूरा अपनी उनकी गार्डनिंग भी चल रही है, बीच में वो सचिन पाजी के साथ वो था बच्चे का वो वीडियो जब आप उधर खेले यार बॉक्सिंग वो कर रहा है, दर्द मेरे को रहा है, मैं कह यार तेरे को मालूम नहीं तो किसको बॉक्सिंग कर रहा है लेकिन पाजी यार पाजी क्या आदमी है यार, मतलब रिस्पेक्ट करो उतना कम है यार, सच अ जेंटल ह्यूमन बीइंग, उनको पता है बच्चा है, और मैं डर रहा था यार पोस्ट करूं मैं नहीं करूं, लेकिन मैंने फिर पोस्ट किया वो वीडियो और बहुत लोगों ने पसंद किया, जिस तरह से पाजी यार मतलब बच्चा मार रहा है और बच्चे के साथ खेल रहा है, इमरान जब बड़ा होगा तो उसको पता चलेगा कि उसने क्या किया फिर जाके माफी मांगेगा कि यार माफ कर नहीं, लेकिन घर पे यार सब ठीक ठाक, सफा भी ठीक है, सफा अपना काम करती रहती है, सफा वो बहुत अच्छी कंटेंट राइटर थी, वो 3 साल काम कर रहे थे वहाँ पे सऊदी में, तो बीच में अभी उसको ऑफर आया था लेकिन इमरान के जरिए उसने अभी वो ऑफर लिया नहीं है घर से काम करने का, तो
देखना है, और लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे उसके अपने अपनी चीजें रहती है। अभी उसका प्लान है एक वेल बनाने का, जैसे गांव में रहता है ना, गांव में बहुत ज्यादा पानी की दिक्कत होती है, तो उसके पीछे हम लोग पड़े हुए हैं, तो ये उसी का तो अगर वो हो जाए तो वो करेंगे, तो उसके पीछे लगे रहते। लेकिन इमरान के साथ टाइम निकल जाता है। बाकी घर में चार बच्चे, मेरे भाई के दो बच्चे आयान रयान, और मेरी कजिन सिस्टर जो हमारे साथ रहती है उसकी बच्ची है सारा और इमरान, ये चार बच्चे इतनी धमाल करते हैं यार, टाइम बिल्कुल नहीं पता चलता। हाँ, हालांकि बहुत मुश्किल काम है यार कि आज आप और हम लोग और पूरी दुनिया घर में बैठी है ये कोविड-19 के चक्कर में, लेकिन बच्चे हैं तो वो सुकून के साथ टाइम निकल जाता है। हजार चीजें होती है, वो झगड़ते हैं, मजे करते हैं, खेलते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जितने डॉक्टर्स हैं ना और हेल्थ वर्कर्स हैं, दे आर डूइंग सो मच फॉर अस। इरफान भाई, जब रियो भी हुआ तो मुझे याद है दिल्ली में बड़ा मुश्किल था, क्योंकि अभी इतना सिक्योरिटी सारा कुछ, मूवमेंट पासेस, और जितने भी हॉस्पिटल थे सारे डॉक्टर्स, दे वर वेरी हेल्पफुल, और दिल्ली पुलिस ने काफी हेल्प किया। तो मतलब डॉक्टर्स लोग को मुझे लगता है कि वो असली हीरो हैं, जिन्होंने काफी फैमिली से नहीं मिल रहे और इतना सब कुछ वो लोग कर रहे हैं, तो आई थिंक उनको बहुत सलूट है हम लोग की तरफ से, सबकी तरफ से। बिल्कुल यार, हमारे एक दोस्त है जो बच्चों के डॉक्टर है, आज ही उनका मैसेज आया कि अब वो कोविड हॉस्पिटल में एज ए असिस्टेंट काम करने वाले हैं, जबकि वो है मतलब वो तो बच्चों का डॉक्टर और जाके हेल्प करेंगे, मतलब उनका काम नहीं है लेकिन उनको फिर वही दूसरी तरीके से हेल्प करना है। सो ये यार, इनको जितनी इनकी तारीफ की जाए उतनी कम है यार। नहीं नहीं, मुझे ये भी पूछना है, जम्मू एंड कश्मीर में आप 2-3 साल रहे, पहले कोच भी थे प्लेयर भी थे, उनकी जो टीम का जो ग्राफ ऐसे ऊपर गया, और मैंने साथ में हम खेले भी उधर, फिर हम मैं देखा भी उधर, काफी मैंने फॉलो किया क्योंकि जम्मू कश्मीर से मेरे भी पापा रहे, मम्मा भी उधर से ही हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप ऐसी स्टेट में गए जहाँ पर सब लोगों ने कभी उस चीज को तवज्जो नहीं दिया। तो जिस तरह से बच्चों ने परफॉर्मेंस किया, और जो मैंने फील किया, जो एक मैच हुआ था हमारा बीच में जो उधर, तो जैसे उनका प्लानिंग, जो डिसिप्लिन, और सबसे अच्छी बात है कि उनका जो गैदरिंग, जो डिसिप्लिन आया, तो आई वाज वेरी प्राउड टू सी दैट कि इतना टैलेंटेड बच्चे, इतने सारे लड़के जिन्होंने इतना इम्प्रूवमेंट किया, तो आई थिंक बहुत अच्छा लगा वो जिस तरह से आपने सपोर्ट किया हम लोग। बिल्कुल यार, वो हमेशा तेरे बारे में काफी बात होती है क्योंकि उनको लड़कों को पता है कि मैं तेरे साथ खेला हुआ, तो काफी तेरे बारे में बात करते हैं, तेरी बैटिंग फील्डिंग के बारे में बात करते हैं, अप्रोच के बारे में बात करते हैं, और काफी कुछ सीखने को तैयार है वो लोग। यार देख, ये जो तुमने जम्मू कश्मीर का सवाल पूछा ना, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जब ये मेरे पास ऑफर आया था जम्मू कश्मीर के लिए, तब मेरे पास 3 लीग के ऑफर थे। एक लीग का नाम मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि वो मैंने तुरंत ही मना कर दिया था। दूसरी 2 लीग CPL, और मेरे पास CPL का कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में था, कैरेबियन प्रीमियर लीग का मनी कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में था, मतलब बिना इवन मुझे कुछ किए हुए, ओनली थिंग मेरे को परमिशन लेना था और रिटायर होना था। एक और लीग थी T10 लीग, उसका मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में था, बस मेरे को सिर्फ रिटायर होकर अनाउंस करना था कि मैं रिटायर हो रहा हूँ और मैं जाके लीग खेल सकता हूँ। BCCI में भी बार बार मैं चक्कर लगा रहा था कि मैं पूछने के लिए कि रूल क्या है, कैसे है, स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे बड़ौदा में बहुत शैतानी चल रही थी। तेरे को मालूम है, जब तुम्हारा खुद का एसोसिएशन रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे लोग रहते हैं जो तुमको नीचा करना चाहते हैं, तुम्हारा लेवल होता नहीं है, तुम्हारे लेवल तक वो पहुंच नहीं सकते, लेकिन फिर भी उनको ऐसा होता है कि यार इसको परेशान करें, तो ऐसा परेशान करें, तो मैं बड़ौदा छोड़ के निकल रहा था वहां से, या तो रिटायर होकर बाहर जाके लीग खेलो, कोई टेंशन नहीं, अपना काम करो। लेकिन यार इससे बेहतर मेरे पास कोई ऑफर नहीं थी कि मैं जम्मू कश्मीर को सर्व कर सकूं, जम्मू कश्मीर क्रिकेट को, क्योंकि यार वहां पे लोगों को बहुत जरूरत है यार। भाई मैं जब मैं कैंप में गया ना, पहली बार जब मैं कैंप में गया, मैंने पर्सनली इतनी मेहनत की है। मेरे को याद है मैं 9 बजे से, अगर सुबह रहता था, अगर मैं वहां पे लड़कों को सिलेक्ट करता था, 9 से लेके 5 बजे तक मैं खड़ा रहता था, और मेरे पास अगर 10 लोग होते थे वहां के लोकल हेल्प करने के लिए, शाम होते होते थोड़े दिन के बाद ना 2 होते थे 3 होते थे जो असली मेहनत करना चाहते थे, बाकी सब फिल्टर हो जाते थे। तो और भाई मैंने बच्चों को कैनवस के जूते में 10 विकेट पे बॉलिंग करते हुए देखा है, और उनके पास एक से कपड़ा नहीं, और टैलेंटेड लड़के, ऐसे ऐसे टैलेंटेड, मुझे याद है वो पूरा मैंने कैंप का भी देखा था, जो भी आप बीच में सोशल मीडिया पे जो आ रहा था वहां से, और आपका ट्वीट, जिस तरह से वो टीम का गैदरिंग, और मैं उस ग्राउंड पे भी गया हूँ जो अपना ये कश्मीर में है, जो कौन सा शेर कश्मीर उधर भी देखा। फिर सबसे अच्छा लगा जब मैच खेले, तो मुदस्सर है ना वो फास्ट बॉलर, वो अच्छा लगा, और लंबा वाला जो क्या नाम है उसका, वो हमारे साथ दिल्ली ट्रॉफी भी खेला था, उमर नजीर। फिर परवेज रसूल, वो भी जब मैं कैप्टन था बांग्लादेश में तो डेब्यू हुआ था, उसने भी बहुत अच्छा बॉलिंग, कब से वो फर्स्ट क्लास हो, IPL हो, बहुत अच्छा कर रहा है वो। तो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी कि जो जम्मू एंड कश्मीर की टीम के जो टैलेंट बाहर आया,
और क्योंकि उनके फैसिलिटीज नहीं है, तो आप जो इतना कॉन्ट्रैक्ट मिला आपको, लेकिन आपने वो दिल की बात सुनी, जहाँ जरूरत थी उनको आपकी सबसे ज्यादा, तो वो डिलीवर हुआ, तो उससे अच्छी बात क्या है बड़े भाई। बिल्कुल मेरे भाई, और देख इसमें सबसे, अगर जम्मू कश्मीर क्रिकेट को आगे जाना है ना आने वाले टाइम में, शुभम पुंडीर विल बी द लीडर, मतलब शुभम पुंडीर से बेहतर लीडर उनको नहीं मिलेगा। और विकेट कीपर है जो, वो भी अच्छा प्लेयर है, फाजिल रशीद, फाजिल रशीद है, और शुभम खजूरिया, शुभम खजूरिया जम्मू कश्मीर का सबसे अच्छा बैट्समैन है, मतलब अगर टेक्निकली बात करें, वो दूसरा राइडू है, एक राइडू की तरह बैटिंग करता है, और दो बॉलर है जो है, एक तो मुस्तफा और राशिद सलाम, राशिद सलाम लेफ्ट आर्म और राशिद सलाम, ये दोनों जबरदस्त फ्यूचर है, और इनमें बड़ा अच्छा लगा, थोड़ा टाइट हुआ ना मैच, तो दे वर अटैकिंग, दे वर नॉट पीछे जो है ना, चलो हो गया, अभी बड़ा प्लेयर खेल रहा है या कोई दूसरा प्लेयर है, तो दे वर फाइटर्स, अच्छे से खेल रहे हैं, एकदम भिड़ के खेल रहे हैं, तो अप्रोच वो तभी आती है जब एक ड्रीम बड़ा होता है ना, और सारा क्राउड 10-15 हजार क्राउड है, कश्मीरी खाना, वाजवान तबक वाज, हमने बहुत खाया भाई, मेरे को अगर मैं अगर वहां पे कश्मीर में जब तक मैं था, अगर मैं हर, मैं अगर जितने भी इन्विटेशन मेरे पास आते थे खाने के लिए, अगर मैं कबूल करूँ ना, मेरा हर डिनर अपने फैमिली के साथ ना हो, बाहर ही, इतनी ज्यादा मेरे को इनवाइट करते थे लोग। फिर फोटो देखा मैंने आपका, वो पहलगांव का, और एक पापा का वीडियो था, तो पूरा अपना मजेदार एकदम, वो सोमवार के, सोमवार के खूबसूरत जगह, प्रियंका को लेके गया था, उसको बहुत पसंद आया, तो मैंने कहा 8 साल आप बाहर रहे हो ना, जरा हमारा कश्मीर भी देख लो। हाँ, तो शी फेल्ट सो गुड, बहुत खूबसूरत लगा वो, कह रही मैं बीन टू स्विट्जरलैंड, इधर सब गए, मैंने कहा कश्मीर, हम लोग पहलगांव में रुके थे, एम्स्टर्डम के मुकाबले कैसा लगा उसको? नहीं नहीं है, नहीं, शी फेल्ट की वहाँ पे कुछ कनेक्शन है, एक वाइब्रेशन है, एम्स्टर्डम में क्या है कि उनको साइकिलिंग कल्चर है, और वहाँ पर अलग कनाल्स है जो है, लेकिन जो माउंटेन्स के साथ एक ब्यूटी है, तो वो अलग है, बहुत मजा आया उधर। मैं ये मानता हूँ कश्मीर की पहाड़ियों में सुकून है, तुम इतनी पहाड़ी देखो, लेकिन यहाँ की पहाड़ियों में सुकून सुकून मिलता है। अच्छा रायना, मेरे को ये बता कि एक एक बात हमेशा रहती है, जो एक अच्छे टीममेट की बात रहती है, ठीक है, एक अच्छे इंसान की बात रहती है, आज सुरेश रायना से एसोसिएट होती है कि आज सुरेश रायना अगर किसी को भी विकेट मिलेगी तो सबसे पहला वो करेगा, मेरे भी गर्दन है, तूने बहुत दबाई है, बराबर, मेरे को विकेट मिलती थी सबसे पहले तू ही आता था, सेपरेट करता था, मतलब ऐसा ऐसा होता था कि विकेट यार हमने दोनों ने मिल के लिए, फरीदाबाद में आप मेरे साथ आया, आपने चौका मार के मैच जीता था लास्ट में, वो मेरा फर्स्ट मैन ऑफ द मैच था, तो वहाँ जब आपको मैंने हग किया, तो फ्लिंट ऑफ ने हमें ऐसा लुक दिया, ए साफ नहीं है, मैंने कहा ये ब्रोस प्यार है, ब्रोस है, डोंट टेक इट अदर वाइज, हम लोग हमारे इंडिया में एक अलग तरह से सेलिब्रेट करते हैं, भाई के साथ, फैमिली के साथ, तो सेलिब्रेशन जब होता था, विकेट लेते थे, तो एक दिल से जब आदमी पास में रहता है ना, कवर्स में या पॉइंट में या शॉर्ट मिड विकेट पे, तो जब तक कुछ खुशी इजहार ना करो, जो अच्छे से इंजॉय ना करो, तो फिर क्या फायदा, उधर से दूर से ऐसे ही कर लो, फिर वो उस टाइम तो लॉकडाउन नहीं था ना, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। अब क्या करेगा, अब मेरे को बता, आप सोशल डिस्टेंसिंग हो गई है, तो सुरेश रायना जो सबसे ज्यादा विकेट सेलिब्रेट करता है बोलर्स की, और वो एक जबरदस्त टीममेट है, अब वो कैसे करेगा, अब कैसे करेगा।